हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने अभी तक बड़े सारे साइंटिस्ट के जितने भी व्यूज थे एलिमेंट्स को अरेंज करने के वो जान लिए हैं, इज इट ओके। और फाइनली हम फिलहाल लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज की क्लास में पढ़ेंगे एंड दिस लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज गिवन बाय द बोर साइंटिस्ट एंड दिस टेबल इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू विच द एलिमेंट्स हैज टू बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मासेस, इज इट ओके। एंड इफ इट इज डन, दैट मीन्स इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द increasing order of atomic numbers, then as we have seen it earlier that after a regular interval of atomic number the physical and chemical properties of the elements would repeat, is it okay? अब इसके repeat होने का क्या कारण होता है? Elements की properties आखिर एक regular interval के बाद में repeat क्यों होती हैं? That we'll see later. फिलहाल जो हमको discussion करना है, this is of the modern periodic table which is here in front of you, कि आखिर ये टेबल का क्या फॉर्मेट है, किस हिसाब से बनाई गई है, क्या आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और जो समझ में आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी बातें हमको यहाँ पर जाननी है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। तो इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द टेबल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दिस पार्ट नंबर वन एंड दिस पार्ट नंबर टू। अब ये पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू, इसका भी कारण हम जानेंगे। पहले देखिए कि यहाँ पर जो टेबल है इसमें ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स, और जैसा आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है? वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप्स। और अगर आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स देखना चाहें तो आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और वहाँ तक जाते जाइए, ये सारे वर्टिकल कॉलम्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कितने हो चुके हैं? 18। मतलब इस टेबल में कितने ग्रुप्स प्रेजेंट हैं? 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। आ गई बात समझ में? और इसी तरीके से अगर इन हॉरिजॉन्टल रोज की बात की जाए तो ये हॉरिजॉन्टल रोज को यहाँ पर क्या बोला जाता है? पीरियड, इज इट ओके। सो दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। और इस हिसाब से अगर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आप जानना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर 7। कितने हो गए टोटल? 7 हो गए, इज इट ओके। अब देखिएगा, एक एक चीज की खास बातें आपको यहाँ पर जाननी है। जैसा कि मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो द फर्स्ट एटॉमिक नंबर इज ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हमें पता है। हाइड्रोजन के बाद में इस पीरियड के अंदर दूसरा एलिमेंट जो प्रेजेंट है, दिस इज हीलियम, हूज एटॉमिक नंबर इज 2। ओके, आगे आप जानते हैं, दिस इज थर्ड एलिमेंट, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ एलिमेंट, इज इट ओके। इस सीक्वेंस में आपको चलते जाना है और चलते 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 बिल्कुल नॉर्मल नंबरिंग करते जानी है 1, 2, 1, 1, 8 तक। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गायब हैं, और ये जो एलिमेंट्स गायब हैं इनका एटॉमिक नंबर स्टार्ट हो रहा है 57 से और कहाँ तक पहुँच रहा है? 71 तक। तो ये है आपका 57th एलिमेंट एंड दिस 57th एलिमेंट इज लेंथेनम। कौन सा एलिमेंट है ये? लेंथेनम। और लेंथेनम से लेकर के ये ल्यूटीशियम तक एलिमेंट आपके चल रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 71। अगर आप इसको भी यहां पर ऐड कर देते हैं, इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप को भी, तो 57 to 71 मतलब ये हो गए 14 ग्रुप्स मोर। मतलब इस टेबल में ऑलरेडी 18 ग्रुप्स हैं, और अगर आप इसको भी यहाँ पर जोड़ देते तो 18 plus 14 मतलब आपकी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हो जाते टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 32।
और 32 वर्टिकल कॉलम्स बनाने के लिए हमें एक बड़े पेज की ज़रूरत होती, एक बड़े स्पेस की ज़रूरत होती, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का शेप आपको मिलता वो बड़ा ही इनकन्वीनियंट और अनकंफर्टेबल हो जाता। तो सिर्फ इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए, और कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस इनकन्वीनियंट पीरियोडिक टेबल के शेप से बचने के लिए हमने इस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पर नीचे सेपरेट कर दिया। और अगर आप इसकी फर्स्ट सीरीज को ध्यान से देखें तो मैंने आपको बोला कि दिस फर्स्ट एलिमेंट इज लेंथेनम, और फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम होने के कारण इस पूरी 14 एलिमेंट की सीरीज को, टॉप वन दिस वन इज इट ओके, इस पूरी सीरीज को जो नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया लेंथेनाइड सीरीज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सारी नई नई बातें हैं यहां पर, है ना। सिमिलरली आप देखें यहाँ पर 71 के बाद में ये 72 एलिमेंट यहाँ पर आ गया, इज इट ओके, 72 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। फिर ऐसे ही आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते चले जाएंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे, और फिर जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो 89 to 103 एलिमेंट, मतलब दोबारा से टोटल 14 एलिमेंट दोबारा इस पर्टिकुलर टेबल से सेपरेट कर दिए गए और यहाँ नीचे रख दिए गए। कारण सिर्फ एक है, याद रखिएगा, ताकि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इनकन्वीनियंट शेप से बचना पड़ जाए। आ गई ना बात समझ में। और इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज 89th एलिमेंट, एंड द नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज एक्टिनियम, इज इट ओके। कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, आप पूरे 118 नेम्स याद रखें ऐसा तो जरूरी नहीं है, पर कुछ नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो दिस इज एक्टिनियम एलिमेंट, और एक्टिनियम एलिमेंट से हम पहुंचते पहुंचते इस 9th, इस 103rd एलिमेंट पर पहुंच जाएं, जब हु सिंबल इज LR, देन दिस LR इज लॉरेंशियम, इज इट ओके। इसका नाम क्या होता है? लॉरेंशियम। तो दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट पर आ जाएं, दिस फर्स्ट एलिमेंट इज एक्टिनियम, और इस फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम के अकॉर्डिंग इस सेकेंड सीरीज को, ऊपर वाली टॉप वाली सीरीज को क्या नाम दिया गया है? लेंथेनाइट सीरीज। सिमिलरली इस नीचे वाली सीरीज को क्या नाम दिया गया है? एक्टिनाइड सीरीज। क्या बोला जाता है सीरीज को? एक्टिनाइड सीरीज। और फिर जैसे ही ये 103 एलिमेंट लॉरेंशियम यहां पर खत्म होगा, यहां से शुरू हो जाएगा 104th एलिमेंट, हुज एटॉमिक नंबर इज 104 105 106, ध्यान से देखना, 107 108, और ये 109, और ये 110। तो भाई यहां तक पहुंचने का क्या कारण है, क्यों पहुंचे हम आखिर इस एलिमेंट तक, 110 तक? बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ स्पेशल दिखेगा आपको, सिंबल एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, UUN UUU UUB, एग्जैक्टली कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है ना हमको सिंबल्स के अंदर, बिल्कुल सिमिलैरिटी दिख रही है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया काम कर दिया गया इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखो, इतने सारे अलग अलग नामों वाले 118 एलिमेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन 118 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीक्वेंशियली लर्न करिए, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम है, इज इट ओके। करना होगा आपको, पर फिर भी मुश्किल काम है, इज इट ओके। तो इस काम को आसान बना दिया। कैसे आसान बना दिया? एलिमेंट्स को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर दिया। जैसे अगर आप बात करें इस 110 एलिमेंट की, तो इस 110 एलिमेंट का सिंबल है UUN। अब यहां पर UUN का क्या मतलब है? यहां पर UUN की फुल फॉर्म है अन, U फॉर अन, सेकेंड U फॉर अनादर अन, एंड N फॉर नीलियम, इज इट ओके। ये है इसकी फुल फॉर्म, और इस फुल फॉर्म के अंदर ही इसका एटॉमिक नंबर छुपा हुआ है। इस UN अन का मतलब है नंबर वन, दूसरे UN अन का मतलब, का मतलब अब आप हमेशा वन ही रहेगा, इसका मतलब बदलेगा नहीं, और इस निलियम का मतलब है यहां पर जीरो। निल का मतलब आप जीरो बोलते हैं ना, नथिंग इज देयर, निल इज देयर, दैट मींस नंबर जीरो। तो इस हिसाब से इस 110 को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर दिया गया।
और इसी तरीके से ये जितने भी सिंबल्स आपको इसके आगे दिखाई दे रहे हैं या जितने भी एलिमेंट्स अब नए डिस्कवर हो रहे हैं उनको एक साइंटिफिक नेम ही प्रोवाइड किया गया है, तो आपको उनका एक अजीब सा साइंटिस्ट की अपनी मर्जी से रखा हुआ नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से किसी भी एलिमेंट का नाम अपने आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप अपने आप? जैसा कि आपको पता लग गया कि ज़ीरो डिनोट करना हो तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, निल वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आपको नंबर वन लिखना हो तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, अन यूज़ करेंगे। अगर आपको टू लिखना हो तो आप बाई वर्ड यूज़ करेंगे, इज इट ओके। थ्री लिखना हो तो आप ट्राई वर्ड यूज़ करेंगे, राइट। फोर लिखना हो तो आप क्यू यू ए डी क्वाड वर्ड यूज़ करेंगे। फाइव लिखना हो तो पी ई एन टी पेंट वर्ड यूज़ करेंगे। सिमिलरली सिक्स लिखना हो तो क्या यूज़ करेंगे, सिक्स लिखना हो तो आप हेक्स वर्ड यूज़ करेंगे। सेवन लिखना हो तो हेप्ट वर्ड यूज़ करेंगे। और एट लिखना हो तो एट का तो याद है ना, एट का ऑक्टोपस, एज इट हैज़ एट लेग्स इसीलिए हम ऑक्टोपस बोलते हैं। और साइंस में भी हम यहाँ पर एट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ऑक्ट वर्ड यूज़ करेंगे। तो अब आप लिख सकते हो क्या इनके नाम, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो जी, इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 110। और यू 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 मतलब 111, नाम समझ में आ गया क्या? आप पहले उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इनके नाम भी लिख करके बताऊंगी, ठीक है? तो नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ जी, तो आपने ये, मैंने सिर्फ ये नोट डाउन करने के लिए बोला था, तो आई होप आपने कर लिया होगा, और नहीं करा है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, 110 एलिमेंट का नाम हमको समझ में आ गया कि अब हमको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है 110 के बाद में, तो हम एलिमेंट्स के नाम खुद लिख सकते हैं। और चलिए, तो आगे भी लिखने की कोशिश करते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 111 एंड द सिंबल इज ऑलरेडी रिटन हियर, दिस इज यू यू यू, ट्रिपल यू, इज इट ओके। तो चलिए इस ट्रिपल यू का नाम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। दिस यू इज फॉर अन, दिस यू इज अनादर अन, दिस यू इज यूनियम, इज इट ओके। तीनों ही वन है ना, तो तीनों के लिए ही आपको अन 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 यूज करना है, इज इट ओके। और लास्ट में लगा देना है आई यू एम। और देखो जी, कमाल की बात, नेक्स्ट एलिमेंट इज 112, सिंबल देख लें एक बार यहां से क्या लिखा हुआ है, ये है 112, 112, समझ गए ना अब इसका नाम क्या होगा। चलो समझ गए हो तो लिख भी लेते हैं एक बार। दिस इज U फॉर अन, ये वन का U, ये दूसरे वन का दूसरा U, और टू के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज करा है यहाँ पर, B। तो देखिएगा, दिस इज अन अन, और B के लिए बायम, इज इट ओके। तो अन अन बीएम नाम हो जाएगा इसका, किसका, 112 एलिमेंट का। सिमिलरली अन अन ट्रियम, अन अन क्वाडियम, दिस इज अन अन पैंटियम, अन अन हेक्सियम, अन अन सेप्टियम एंड अन अन ऑक्टियम, है ना मजेदार नाम। तो इसके बाद में इन नामों को एक स्पेशल नेम बोला जाता है, इन नामों को बोला जाता है, जो नाम लिखे ना आपने, जब हमको नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन नामों को बोला जाता है आई यू पी ए सी नेम्स। ये जो IUPAC names हैं, is it okay? This is the full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. So this is the international organization which is made only for the chemistry. And according to this, this particular names are provided to these elements. Is it okay? ताकि हमारे लिए इनका नाम याद रखना आसान हो जाए। तो अब हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। हमने नाम लिखने का, एलिमेंट्स का नाम लिखने का एक सही तरीका सीख लिया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें कोई सा भी अजीब नाम याद नहीं करना पड़ेगा। पर बाकी एलिमेंट्स जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं,
इनके नाम इस सिस्टम से पहले ही जानकारी हमको मिल चुकी है इनके नामों की, तो आपको वो पुराने नाम ही यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे बाकी एलिमेंट्स के। तो अब हम कंप्लीट करते हैं हमारी टेबल की इन्फॉर्मेशन और भी हमें जो जो जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके हॉरिजॉन्टल पीरियड से। तो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स के टोटल काउंटिंग जो हमने करी वो कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट पीरियड है इस फर्स्ट पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ कितने हैं, 2। दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज हीलियम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एज ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पीरियड हेयर इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। इस फर्स्ट पीरियड को क्या बोला जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। अगर आप इस सेकेंड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें तो कर लीजिए, आपके सामने बनी हुई है टेबल, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8। और एज इट इज मोर देन द फर्स्ट पीरियड, दिस सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड इज नोन एज शॉर्ट पीरियड। इन दोनों पीरियड्स को क्या बोला जाता है, शॉर्ट पीरियड, एज दे बोथ आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 8 and 8, इज इट ओके। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पीरियड पर, दिस इज पीरियड नंबर 4th, एंड पीरियड नंबर 4th इज फुली फिल्ड टिल द 18th ग्रुप, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पीरियड इज 18। कितने हैं टोटल एलिमेंट्स, 18, और नेक्स्ट वाले में भी कितने हैं, 18। तो इन दोनों ही पीरियड्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज लॉन्ग पीरियड्स। क्या बोला जाता है इनको, लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है। एंड लास्ट टू पीरियड्स विच इज पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7 में ये भी छुपा हुआ है 57 to 71 एलिमेंट, यहाँ पर भी 89 to 103 एलिमेंट। और अगर इन सारे एलिमेंट्स को टोटल काउंट किया जाए देन बोथ ऑफ दीज पीरियड्स आर हैविंग 32 एलिमेंट्स इन ईच। तो टोटल एलिमेंट इस 6th पीरियड के अंदर भी कितने हैं, 32, और 7th पीरियड के अंदर भी कितने हैं, 32। और इस 32 के हिसाब से इन दोनों पीरियड्स को बोला जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड, इज इट ओके। सो दीज टू आर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये टेबल के बारे में हमने हर एक टेबल के हर एक पीरियड को एक नाम प्रोवाइड कर दिया है, अब आगे आ जाइए। जब हम यहाँ पर जानना चाहें तो ये फर्स्ट कॉलम के मतलब फर्स्ट ग्रुप के ये सारे एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दीज आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट्स विच आर हैविंग विच आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप आर हैविंग द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इस हिसाब से इस ग्रुप के इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर। सेकेंड ग्रुप के इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर। थर्टींथ ग्रुप के इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम। इसी तरीके से आप अगर किसी भी ग्रुप में चले जाएं तो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इज इट ओके। अब प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सेम होती है क्या, और होती है तो उसके पीछे केमिस्ट्री का कौन सा कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ी सी देर में जानेंगे। पर उससे पहले आप इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ये रेड कलर से कोट करने का कारण समझ लें। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस रेड कलर फॉर्म्स अ पर्टिकुलर स्टेयर है, ये स्टेयर का फॉर्मेशन कर रही है, दिख रही है ना आपको ये स्टेयर, बिल्कुल ये स्टेयर है जो स्टार्ट हो रही है बोरोन से और यहाँ पर PO पोलोनियम एलिमेंट तक चल रही है। इस स्टेयर्स का यहाँ पर क्या टारगेट है, इस स्टेयर्स का यहाँ पर टारगेट है उस पूरी टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड एंड द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन इट्स राइट साइड, इज इट ओके। मतलब अब आपकी पूरी टेबल 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, स्टेयर्स के लेफ्ट हैंड साइड वाली और स्टेयर्स के राइट हैंड साइड वाली। तो क्या खास बात है इस लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स में और इस राइट साइड वाले एलिमेंट्स में, सुनिएगा ध्यान से। इस स्टेयर्स के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं,
दे ऑल आर मेटल्स, ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, मेटल्स। और इस स्टेयर के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दे ऑल आर नॉन मेटल्स, इज इट ओके। तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं ना कि कितने सारे एलिमेंट हैं विच आर इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स, और कितने से एलिमेंट हैं विच आर इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स। दैट मीन्स आउट ऑफ ऑल दीज 118 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ मेटल इज वेरी मच, बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ मेटल व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स, इज इट ओके। तो ये हमने जानी इसकी खास बातें। अब हमें ये जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या क्यों हुआ कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आखिर रिसेम्बलिंग क्यों है। तो कारण सुनिएगा, कारण शुरू करते हैं हम इनके कॉन्फ़िगरेशन से। अगर आपको हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पता हो देन इट इज 1, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2-1, आपको 20th एलिमेंट तक के कॉन्फ़िगरेशन तो पता है, इज इट ओके। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन वो भी आपको पता है 2-8-1, पोटाशियम का कॉन्फ़िगरेशन वो भी आपको पता है 2-8-8-1। तो आपको इसके बाद के नहीं पता, पर पोटाशियम तक के कॉन्फ़िगरेशन आप 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में बार बार पढ़ चुके हैं। और अब हमने उन कॉन्फ़िगरेशंस को यहाँ पर टेबल में भी मेंशन कर दिया है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हाइड्रोजन से मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो आपका आंसर होगा 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, अगेन 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, अगेन 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम, अगेन 1। रूबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको नहीं पता, पर मैं आपको बता देती हूँ दैट इट इज ऑल्सो 1। मतलब बात ये हुई कि अगर आप इस फर्स्ट ग्रुप के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना चाहोगे तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। दे ऑल आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज 1। तो आपको पता लगा कि इसमें जो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप आर हैविंग द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगली बात समझ में। तो क्या हर ग्रुप में ऐसा होता है? बिल्कुल हर ग्रुप में ऐसा होता है। अगर आप बात बेरिलियम की करें तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-2। मैग्नीशियम की करें तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-2। कैल्शियम की करें तो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-8-2। मतलब इस सेकेंड ग्रुप में भी जहाँ तक, बिल्कुल नीचे तक, ऐसा नहीं है कि ये 3 तक ही एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल नीचे तक एप्लीकेबल होता है, दैट ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेकेंड ग्रुप इज हैविंग दिस 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इस पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सेकेंड ग्रुप आर अगेन हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अब आप सीधे आ जाइए 13th ग्रुप पर और जरा फाइंड कर लीजिए कि बोरोन के अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो जब आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस 13th ग्रुप में फाइंड करोगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे ग्रुप के हर एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। 14th ग्रुप के हर एक एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 15th ग्रुप के हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 16th ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख लीजिए, आपको पता भी है कुछ एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस। तो 17th ग्रुप के हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन
और इसी तरीके से 18th ग्रुप में जब आप पहुंच जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल में हर एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये 18th ग्रुप थोड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसके हर एलिमेंट का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना, सबका ऑक्टेट कंप्लीटेड है। हीलियम का डबलेट कंप्लीट है, ये एक्सेप्शनल एलिमेंट है। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली क्रिप्टन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ज़िनॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, रेडॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसका नाम याद है ना ऑक्टियम, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ये हुआ कि ये पूरे के पूरे जो 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं, दीज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी स्टेबल। ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, और ऑलरेडी स्टेबल होने का क्या मतलब हुआ? ऑलरेडी स्टेबल होने का ये मतलब हुआ कि 18th ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है? जीरो। सबकी वैलेंसी जीरो। हीलियम की भी जीरो, इसकी 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 भी जीरो, और इसकी भी जीरो। इज इट ओके? और इसी वजह से, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट की वैलेंसी जीरो है, इसी वजह से इस 18th ग्रुप को पता है एक स्पेशल नाम प्रोवाइड किया गया है। दिस इज जीरो ग्रुप। 18th ग्रुप को क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप बोला जाता है। तो 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप बोलने का कारण आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू दिस 18th ग्रुप आर हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ वैलेंसी विच इज जीरो। और जो खास बातें हैं वो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये जो 3 to 12 जो एलिमेंट्स हैं, 3 to 12 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एलिमेंट्स को कॉमनली पता है क्या बोला जाता है? इन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को कॉमनली बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो मेनी इन्फॉर्मेशन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, नोट इट डाउन, फिर इसके बाद में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप जान चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने का कारण भी जान चुके हैं। कारण याद रहेगा ना कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं उनका क्या सेम है? उनकी वैलेंसी सेम है, उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। इज इट ओके? और इसी कारण से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं? रिपीट। तो प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं और किस किस तरीके से एक ग्रुप के सारे एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करते हैं, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय एवरीवन।